नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं KTM RC 125 के फ्यूल पंप की कॉस्टिंग के बारे में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्या दिक्कत आती है, क्यों चेंज कराना पड़ता है, कितने हज़ार किलोमीटर पे कराना पड़ता है, आज बात करेंगे पूरा इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं KTM 125 के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज है या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स RC 125 के फ्यूल पंप की कॉस्टिंग के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो पंप की कॉस्टिंग रहती है वो रहती है 4,419 रुपये। साथ ही में थ्रोटल बॉडी की जो कॉस्टिंग रहती है इसकी 5,212 रुपये, और साथ में फ्यूल इंजेक्टर लगता है जो 1,200 रुपये तक इसकी कॉस्टिंग रहती है। अगर टोटल मिला है तो 10,000 रुपये तक का आपको लेबर सहित इसका एस्टीमेट देखने को मिलेगा कि इसका इतना कॉस्ट आएगा। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, KTM एक एक्सपेंसिव बाइक है, साथ ही में इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट कहाँ पर जाकर दिक्कत आती है, क्यों फ्यूल पंप्स ख़राब होते हैं और आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों ख़राब होते हैं। तो ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि फ्यूल टैंक जो है वो कई बार खाली हो जाता है, मतलब एम्प्टी से भी एम्प्टी रह जाता है पेट्रोल, और थोड़ा बहुत पेट्रोल होता है जिसके कारण से फ्यूल पंप में एयर आ जाती है, तो ये इसकी दिक्कत हो गई। अब सबसे बात आती है कि फ्यूल पंप में एयर आएंगे तो फ्यूल पंप चेंज होगा तो 4,400 रुपये आपको लगेंगे। साथ ही में थ्रोटल बॉडी की कोई शिकायत ज़्यादा आती नहीं है, और कभी कभार अगर आ जाती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कितने हज़ार किलोमीटर पर इसका आपको चार्ज देना है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूँ कि लगभग 70 से 1 लाख किलोमीटर तक अगर आप चलाते हैं, 70,000 से 1 लाख किलोमीटर तक, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर 1 लाख के बाद आती है तो फिर गाड़ी पुरानी होती तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। बाकी इससे पहले अगर आप चला रहे हैं तो आप मार्केट में चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगा, मिनिमम मिनिमम आपको 1 लीटर पेट्रोल इसमें रिजर्व रखना ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टैंक बड़ा है, साथ ही में इंजन DOHC है, डबल ओवरहेड केम इंजन है RC 125 के अंदर, तो उस हिसाब से आपको पेट्रोल जो है वो लगभग 1 लीटर तो रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। तो ये आपको एक नॉर्मल सा देखने को मिल जाएगा, इसका जो कोस्ट का खर्चा है वो लगभग आप बचा सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये तो हो गई इसकी कॉस्ट। अब अगर आपके अंदर मतलब ये चीज़ है कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, या फिर ये कह सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम बहुत महंगा आता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, DOHC इंजन है। दूसरी बात ये, अगर आप KTM लेना जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल है, तो पार्ट्स आपको महंगे ही देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 1.5 लाख से ऊपर की बाइक ले रहे हैं तो 10,000 तक का तो मिनिमम पार्ट आएगा ही आएगा, 5 से 6 हज़ार का एक छोटा पार्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसका, तो कॉस्ट इतनी रहती है। एक चीज़ मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि क्या चीज़ आप नहीं करें और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। पहली चीज़ है, आपको गाड़ी धूप में नहीं रखनी है। अगर आप गाड़ी ज़्यादा देर तक धूप में रखते हैं, डेली टू डेली अगर आप धूप में रख रहे हैं, तो आपके फ्यूल पंप में एयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो मेनली आपको ध्यान रखनी है, हर एक सर्विस में इसका जो फ्री सर्विस शेड्यूल में जो फर्स्ट सर्विस होती है उसको छोड़ के हर एक सर्विस के अंदर आपको इसका फ्यूल पंप चेंज कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ आप लिख लीजिए। KTM अगर नहीं करता है तो भी आप ज़बरदस्ती सर्विस सेंटर पर कहकर भी चेंज कराइए, 100 रुपये का आता है, बट वो 100 रुपये की जो चीज़ है वो आपके लिए 10,000 रुपये तक का जो खर्चा है वो आपका बचा सकती है। तो प्लीज़ ज़रूर इसका ध्यान रखें। फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप अगर चेंज होता है तो उसकी मिनिमम कॉस्टिंग 6 से 7 हज़ार रुपये तक की रहती है, और अगर थ्रोटल बॉडी सहित पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसकी कॉस्टिंग 10,000 रुपये तक रहेगी। तो थ्रोटल बॉडी का इतना ज़्यादा कोई शिकायत आती नहीं, क्योंकि KTM का अंदर जो इंजन है वो आपको बेस्ट इन क्लास देखने को मिलेगा, बट जो दिक्कत आएगी वो फ्यूल पंप की और इंजेक्टर की आ सकती है। तो भट्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका प्यार मुझे दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।